हेलो एस जी टी वी स्टूडेंट्स, आई एम रजनी फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल NH9 डिंग रोड सिरसा। दिस इज EVS क्लास। स्टूडेंट्स, टूडे वी विल रीड द चैप्टर नंबर 3। आज हम चैप्टर 3 रीड करेंगे। चैप्टर नेम इज हाउसेस देन एंड नाउ, घर तब और अब। आज इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, पहले के समय में घर कैसे होते थे और आज के समय में घर कैसे हैं। जस्ट लाइक फूड एंड क्लोथ्स वी नीड अ शेल्टर टू लिविंग। जैसे स्टूडेंट्स हमें भोजन और कपड़ों की नीड है, वैसे ही हमें रहने के लिए आश्रय चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन लर्न टू बिल्ड हाउस। जैसे जैसे समय में बदलाव आता गया, मनुष्य ने घर बनाना सीख लिया। ही हैज़ लर्न टू बिल्ड हाउसेज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। मनुष्य ने प्लेस, स्थान और क्लाइमेट, वातावरण के अकॉर्डिंग घर बनाना सीखा। इन मॉडर्न टाइम, जैसे कि अब जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, ही हैज़ इन्वेंटेड इफेक्टिव मटेरियल्स टू बिल्ड हाउसेस। मनुष्य ने घर बनाने के लिए उपयोगी सामान की खोज की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स। पहले के समय में मानव कहाँ रहता था, गुफा में रहता था। लेटर ही लर्न टू मेक हाउसेस विद ब्रिक्स एंड वुड। वैसे जैसे ही समय बीतता गया, मनुष्य ने ईंट और लकड़ी से घर बनाना सीख लिया। अर्लियर हाउस हैड हाई सीलिंग विच अलाउड बेटर एयर सर्कुलेशन। पहले के समय में मनुष्य कैसे घर होते थे, उनकी छतें काफ़ी ऊंची होती थी और जहां से हवा का संचार अच्छे से हो सकता था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस इन एंड अराउंड द हाउसेज, और काफ़ी ओपन स्पेस होता था। ऑल द रूम्स हैड लार्ज विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। और स्टूडेंट्स क्या होता था कि उनके रूम्स की जो विंडोज थी काफ़ी बड़ी होती थी और पंखे होते थे। पीपल यूज काउ डंग, केक्स और फायरवुड एज फ्यूल। और पहले के समय में लोग क्या करते थे, गाय का गोबर और लकड़ी को ईंधन के रूप में यूज़ करते थे। दे यूज्ड ऑयल लैंप्स एंड लैंटर्न्स टू लाइट देयर हाउसेस सिंस देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी देन। पहले के समय में बिजली नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए लोग अपने घरों में रोशनी करने के लिए दीपक और लालटेन का यूज़ करते थे। पीपल ड्रू वाटर आइदर फ्रॉम द वेल्स इन देयर कॉर्टयार्ड और हैंडपम्प्स। लोग क्या करते थे, अपने आंगन में और हैंडपम्प से, कुओं से पानी खींचा करते थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कच्चा हाउस। इन विलेजेस वी स्टिल फाइंड कच्चा हाउसेज। मोस्टली स्टूडेंट्स, विलेजेस, गांवों में हम क्या देखते हैं कि कच्चे घर होते हैं। दीज आर मेड ऑफ मड, स्ट्रा, ड्राई ग्रास एक्सेट्रा। और ये किससे बने हुए होते हैं, मिट्टी, सूखे तिनके, सूखे घास, इन सब से मिलकर बनते हैं। सच हाउसेज आर वीक हाउसेज। ये घर कमजोर होते हैं क्योंकि ये मिट्टी से बने हुए होते हैं। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये कच्चे घर की पिक्चर है। ड्राई ग्रास, स्ट्रा, बम्बूज, इन सब मटेरियल से मिलकर जो घर बनते हैं वे कच्चे घर होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पक्का हाउस। पक्का हाउस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, पक्के घर। इन सिटीज वी फाइंड पक्का हाउसेज। शहरों में मोस्टली हम पक्के घर देखते हैं। दीज आर मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन, वुड, स्टील, सीमेंट, ग्लास। ये सब किससे मिलकर बनते हैं स्टूडेंट्स, पत्थर, लकड़ी, स्टील, सीमेंट और कांच। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेज। ये घर मजबूत होते हैं क्योंकि ये सब पत्थर, लकड़ी, स्टील, सीमेंट से मिलकर बनते हैं। ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये पक्का हाउस है, पक्के घर की पिक्चर है। इसके लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है स्टूडेंट्स, ब्रिक्स, आयरन रॉड्स, वुड, ग्लास पीसेस, इन सब का यूज़ होता है। इन सब मटेरियल से मिलकर जो घर बनते हैं वे होते हैं पक्के घर। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, स्काई स्क्रेपर्स। द पीपल इन सिटीज लिव्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज सच एज फ्लैट्स, सिंगल स्टोरी, डबल और मल्टी स्टोरेड हाउस। शहरों में लोग अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। कुछ लोग जैसे फ्लैट्स में रहते हैं, सिंगल स्टोरी, डबल और मल्टी स्टोरेड हाउस में रहते हैं। वेरी रिच पीपल लिव इन बंगलो, अ वेरी बिग हाउस विद अ लॉन। जो अमीर लोग होते हैं वे बंगलोज में रहते हैं, उनमें खुले मैदान होते हैं। इन वेरी बिग सिटीज, जो काफ़ी बड़ी सिटीज होती हैं उनमें हम, जैसे लाइक न्यूयॉर्क, वी सी वेरी हाई बिल्डिंग कॉल्ड द स्काई स्क्रेपर्स। जो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें स्काई स्क्रेपर्स कहते हैं, आसमान को छूती हुई इमारतें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इग्लू। आर्कटिक रीजन इज कम्प्लीटली कवर्ड विद आइस एंड स्नो। इग्लू होते हैं बर्फ़ से बने हुए घर। जो आर्कटिक
क्षेत्र होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो घर हैं वो कम्प्लीटली बर्फ से ढके हुए होते हैं। सो द पीपल लिविंग देयर हैव फाउंड अ वे टू यूज स्लैब्स ऑफ आइस टू बिल्ड स्पेशल हाउस आर कॉल्ड इग्लूज। वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपने घर बनाने के लिए स्टूडेंट्स बर्फ की स्लैब्स को यूज किया। इग्लूज आर मेड फ्रॉम स्लैब्स ऑफ आइस। इग्लू जो है वो बर्फ की स्लैब से बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें बर्फ से बने हुए घर कहते हैं, इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट है वुडन हाउस। वुडन हाउस होते हैं जो लकड़ी से बने हुए घर होते हैं। इन द कोल्ड रीजन जहाँ शीत क्षेत्र होते हैं, पीपल बिल्ड वुडन हाउस और कैबिन्स। लोग वहाँ पर लकड़ी से बने घर बनाते हैं और कैबिन्स बनाते हैं। दे यूज वुड बिकॉज देयर इज प्लेंटी ऑफ वुड अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। वहाँ पर उन्हें फॉरेस्ट जंगलों में वुड अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है टेंट। सम पीपल लिव इन टेंट्स। कुछ लोग टेंट्स में रहते हैं। दीज कैन बी इजिली फोल्डेड एंड टेकन एनीवेयर। इसे स्टूडेंट्स टेंट को फोल्ड भी कर सकते हैं और कहीं पर भी लेकर जाया जा सकता है। इट इज़ मेड ऑफ कैनवस और नाइलॉन, और ये नाइलॉन से बने होते हैं। पीपल गोइंग फॉर माउंटेनरिंग एंड ट्रैकिंग लिव्स इन टेंट्स। जब लोग पर्वतों पर जाते हैं माउंटेनरिंग, तब वे लोग टेंट से बने घरों में ही रहते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, यू विल रीड पेज नंबर 17 and 18। आपने पेज नंबर 17 and 18 रीड करना है और आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। आपको अभी पिक्चर्स दी गई हैं, आपने यहाँ पे राइट करना है कि टाइप ऑफ हाउस, ये किस टाइप के हाउस हैं और इनके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।